गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था मर्चेंट बैंकिंग, है ना। मर्चेंट बैंकिंग में हमारे फंक्शंस तक हो गया था, फंक्शंस करा दिए थे कि मर्चेंट बैंकर जो है वो क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आपको बुक में दिया हुआ है, रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, कि मर्चेंट बैंकिंग या बैंकर्स का क्या रोल होता है, रोल भी कह सकते हो या ये क्या क्या काम को करते हैं, फंक्शंस भी कह सकते हो, है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने काम दिया, एडवाइस एंड लाइजन ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। कि अगर कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है, है ना, तो उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये एडवाइस देते हैं कि आप कैसे ले सकते हैं, और एक लाइजन भी क्रिएट करते हैं, कोऑर्डिनेशन लाते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने में। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट। कि अगर आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, बिजनेस को कोई रिपोर्ट बनानी है, इकोनॉमिक रिपोर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट, तो उसमें हेल्प करते हैं। अंडरराइटिंग फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी, कि कोई सिक्योरिटी जो आपने इशू करनी है तो उसकी अंडरराइटिंग का काम भी ये करते हैं, है ना। कोई नया प्रोजेक्ट है, इनिशियल स्टेज पर उसको बनाते हैं, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे का काम भी ये करते हैं। या कोई फॉरेन एक्सचेंज के आपको रिसोर्सेज चाहिए तो उसमें ये फॉरेन करेंसी भी अवेलेबल कराते हैं, उसमें भी हेल्प कराते हैं। या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई आपको प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, है ना, तो ये एडवाइस करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें कितने इक्विटी होनी चाहिए, कितने डेट होने चाहिए, है ना, और कैसे उनको मतलब रीस्ट्रक्चर अगर करना है आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो उसको रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। अमल कमीशन में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें फंक्शन में आ चुकी हैं, अमल कमीशन, मर्जर, एक्विजिशन, है ना, रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो रही है कंपनी की तो उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और मैनेजमेंट एड भी प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल एड भी प्रोवाइड करते हैं, कि अगर किसी भी काम में, डिसीजन मेकिंग में इनको कुछ हेल्प चाहिए तो उसमें भी ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सोनल, कि अगर इनको अच्छे जो क्वालिफाइड पर्सन है उसके रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, है ना। और कोई प्रोजेक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में लगाना है ना, या फॉरेन मार्केट में लोकेट करना है, तो उसमें भी ये एडवाइस देते हैं। अब देखिए, क्या ऑब्जेक्ट है मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन का, कि मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर भी रेगुलेशन होनी चाहिए, है ना। तो उसका मेन पर्पस क्या है, कि टू रेगुलेट द रेजिंग ऑफ फंड इन द प्राइमरी मार्केट। मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि प्राइमरी मार्केट में जो भी फंड रेज किए जा रहे हैं उसको रेगुलेट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फंड कंपनी को पैसों की ज़रूरत है और एकदम उन्होंने फिर शेयर इशू कर दिए, उसके बाद फिर से कर दिए, है ना। तो उनको रेगुलेट करना और ये देखना कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही किए जा रहे हों। टू एश्योर द इशूअर मार्केट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज, कि जो जो फंड उनको चाहिए उसके लिए मार्केट प्रोवाइड कराना, ये ऑब्जेक्टिव है मर्चेंट बैंकिंग का। टू एश्योर द इशूअर ए मार्केट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज एट लो कॉस्ट, कि उनकी जो इशू की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ना आए। एंड हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो इंटरेस्ट है उसको कोई धक्का ना लगे, तो वो भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करते हैं। एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि इनके पास कुछ पर्सनस होते हैं जिनको नॉलेज होती है, है ना, तो ये जो है वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सॉल्वेंसी, है ना, वो प्रोवाइड करना इन द मार्केट। एंड टू प्रोमोट ए प्राइमरी मार्केट जो कि फेयर हो, एफिशिएंट हो, फ्लैक्सीबल हो, इस तरह की प्राइमरी मार्केट को प्रमोट करना, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकें और जो कंपनी है, कंपनी भी अपने जो शेयर्स हैं उसको ईजिली इशू कर सके। अब देखिए, मर्चेंट बैंकिंग की कई कैटेगरीज होती हैं, 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहले वो मर्चेंट बैंकर होते हैं जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ इशू, कि कोई इशू है तो उसको मैनेज करेंगे, एडवाइजरी जो काम है वो भी वो करेंगे कंसल्टेटिव कैपेसिटी में, है ना, को मैनेजर का काम भी करते हैं, अंडरराइटिंग का काम भी करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर भी वो होते हैं। तो ये हमारे आते हैं कैटेगरी 1 में, जो कि सारे ही फंक्शंस को करते हैं। बट कैटेगरी 2 में वो मर्चेंट बैंकर आते हैं जो सिर्फ कंसल्टेंट हैं, जो सिर्फ एडवाइज़र हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। तो देखो, जो फर्स्ट फंक्शन था वो इसके अंदर नहीं है, है ना, ये ओनली सिर्फ एडवाइस करने का काम करते हैं। कैटेगरी 3 में ओनली अंडरराइटिंग एंड एडवाइजर्स इसका काम करते हैं। कैटेगरी 4 में ओनली कंसल्टेंट होते हैं या एडवाइज़र होते हैं। तो जो कैटेगरी 1 है उसको जो हमारा बोर्ड है सेबी वो अलाउ करती है, और बाकी की जो कैटेगरी हैं उसको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम 5 सितंबर 1997। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो मर्चेंट बैंकर हैं, फर्स्ट कैटेगरी, वो ही प्रेवलेंट हैं ज़्यादा, है ना, क्योंकि वो सारे ही कामों को करते हैं।
आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर्चेंट बैंक का काम शुरू कर देगी, है ना। तो इनको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। इस काम को शुरू करने से पहले इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना, सेबी के पास। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो प्री कंडीशंस हैं वो क्या हैं? सबसे पहले इनके भी कुछ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होते हैं कि इनकी कैपिटल, वो भी आएगा डिटेल में, आपको पूरी एक टेबल में बताएंगे। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स होते हैं, वो इनकी कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंड, जो मर्चेंट बैंकर है वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, और एटलीस्ट 2 पर्सन उनके पास होने चाहिए जो कि इन एक्टिविटीज़ को करेंगे, कम से कम 2, है ना। तो वो भी अभी डिटेल आपको एक टेबल में बताएंगे कि कितने मैनेजर्स, कितनी नेटवर्थ या जो इनका कैपिटल एडिक्वेसी है वो कितनी है, कैपिटल नेटवर्थ जितनी है उसके अकॉर्डिंग इनके लीड मैनेजर्स कितने होने चाहिए। और कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी कंपनी के साथ एसोसिएट है तो आप उस कंपनी के मर्चेंट बैंकर नहीं बन सकते, है ना। तो उनकी उस कंपनी में किसी भी तरीके से एसोसिएट आपको नहीं होना है अगर मर्चेंट बैंकर बनना है। एंड पार्टनर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर शुड नॉट बी इन्वॉल्व एनी लिजिटेशन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी मुकदमे से, किसी भी कोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए मर्चेंट बैंकर को। और एक प्रेस्क्राइब फीस होती है सेबी की, वो इनको पे करनी है। रिकॉग्नाइज इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है फाइनेंस में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में या बिजनेस मैनेजमेंट में, तो वो भी इनके पास होनी चाहिए। एंड दे अंडरटेक टू अदर देयर प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी ये पूरा करें। और इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशंस हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर मर्चेंट बैंकिंग की, कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो मर्चेंट बैंकर है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है अंडर सेबी। अब देखिए, नेक्स्ट आता है रिन्यूअल, कि रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद अगर उसको रिन्यू कराना है तो भी उनको वही कंडीशंस जो अभी ऊपर बताई थी वो कंडीशंस पूरी करनी है। और उसके अलावा एक डिक्लेरेशन देना है जिसमें 2 डायरेक्टर के साइन होंगे, और वो बताएंगे कि जो भी एप्लीकेंट कंपनी है या उसके जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, है ना, वो किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी अपराध में इन्वॉल्व नहीं है, और कोई भी लिजिटेशन उनके साथ, मतलब कोई भी कोर्ट केस उनका नहीं चल रहा है। नन ऑफ द एसोसिएट, सब्सिडरी और इंटरकनेक्टेड और ग्रुप कंपनी ऑफ एप्लीकेंट कंपनी हैज़ अप्लाइड फॉर और हैव बीन गारंटेड रजिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी मर्चेंट बैंकर हो गए, उनकी जो एसोसिएट कंपनी है वो भी मर्चेंट बैंकर के तौर पर वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो वो नहीं हुए। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी या उसके जो डायरेक्टर हैं आर नॉट फेसिंग एनी चार्जेस, उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई चार्ज नहीं है, है ना। या एप्लीकेंट कंपनी या उसके जो एसोसिएट हैं वो किसी इस तरह के स्कैम में, जो घोटाले होते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, है ना। जो जितने भी इन्वेस्टमेंट की गई है इंडिकेटेड इन द सर्टिफाइड एनुअल अकाउंट्स, उनके एनुअल अकाउंट्स में वो मेंशन की गई है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है जब उनको रजिस्ट्रेशन कराना है या रिन्यू कराना है। उसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, हर मर्चेंट बैंकर को कम से कम 20 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के देने हैं बोर्ड को, है ना। उसके अलावा जो मर्चेंट बैंकर है शैल हैव टू पे अ फी ऑन एवरी ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये तो देने ही हैं 20 लाख। तो इसके अलावा अगर कोई पब्लिक इशू है जो 1 करोड़ से कम का है, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, तो उनको फ्लैट चार्जेस 10,000 रुपीज़ सबमिट कराने हैं। और अगर 1 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 5,000 करोड़ से कम है, तो फिर 0.1% ऑफ द इशू साइज़, जितना इशू साइज़ है उसका 0.1%। और अगर मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज़ बट लेस देन और इक्वल टू 5,000 करोड़ रुपीज़, कि अगर उससे 25,000 से कम है, तो फिर जो फीस हो जाएगी 5 करोड़ रुपीज़ प्लस 0.025% ऑफ पोर्शन ऑफ इशू साइज इन एक्सेस ऑफ 5,000 करोड़, उससे ऊपर जितना होगा वो इनको पे करना है। एंड मोर देन 25,000 करोड़ रुपीज़ है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर एक फ्लैट चार्ज है, कितना, 10 करोड़ रुपीज़ का। तो ये तो हमारे पब्लिक इशूज़ के ऊपर। उसके बाद देखिए, राइट इशू अगर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है तो 10,000 रुपीज़ हैं, और अगर मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ हैं लेकिन लेस देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज़ हैं तो 0.5% है, और अगर मोर देन 500 करोड़ रुपीज़ है तो फ्लैट चार्ज 25 लाख का है। तो इस तरीके से ये राइट इशूज़ के ऊपर, और
जो पब्लिक इशू हैं उनके ऊपर ये चार्जेस हैं जो उनको सबमिट कराने होते हैं। तो जैसे बताया, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस तो 20 लाख है ही, उसके अलावा जो भी वो इशू करेंगे, है ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट बैंक कर लेंगे, उसके लिए उनको ये अमाउंट पे करना है। अब अगर बात करें रिन्यूअल फ़ीस की, तो जो मर्चेंट बैंकर हैं उनको 9 लाख रुपीज़ एवरी थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन 3 साल तक चलेगा, 3 साल के बाद उनको 9 लाख रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट कराने हैं फिर से फ़ीस के फॉर्म में। अब देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, जैसे पहले बताया था कंडीशन में, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन में, कि इनकी जो नेट वर्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कैटेगरी का बताया था, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, है ना, 4 कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो मर्चेंट बैंकर हैं उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ होनी चाहिए। कैटेगरी 2 के अगर हैं, जो सिर्फ कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, उनके लिए 0.5 करोड़ है। कैटेगरी 3 जो अंडरराइटर हैं, एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए 0.2 करोड़ है। और कैटेगरी 4 जो सिर्फ एडवाइज़र का काम कर रहे हैं, एडवाइज़र और कंसल्टेंट, उनके लिए कैप जो नेटवर्थ है वो निल है, है ना। तो जैसे कि बताया था आपको कि कैटेगरी 1 को ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स जो है वो कैटेगरी 1 में ही आते हैं, तो उनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड मैनेजर्स, कि लीड मैनेजर्स कितने होने चाहिए। जैसे कंडीशंस में आया था कि कम से कम 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो कि इसमें इन्वॉल्व हों, है ना, तो मिनिमम 2 हैं। अब देखिए, अगर आपके 50 करोड़ से कम का इशू है, बिलो 50 करोड़ कितने का भी है, तो कम से कम 2 लीड मैनेजर होने चाहिए। लेकिन अगर 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में आ रहा है तो 3, 100 से 200 करोड़ के बीच में आ रहा है तो 4, और 200 से 400 करोड़ के बीच में आ रहा है तो 5, है ना। और अगर 400 करोड़ से भी ऊपर है तो फिर वो डिपेंड करता है सेबी के अप्रूवल के ऊपर, मोर देन 5 भी रखे जा सकते हैं। तो ये कुछ नॉर्म्स थे कि लीड मैनेजर कितने होने चाहिए, है ना, और इसके अलावा जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं उसके अलावा ये टॉपिक अभी डिस्कस किया। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये एग्ज़ाम में पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मर्चेंट बैंकर। तो सबसे पहला है, मर्चेंट बैंकर नॉट टू एसोसिएट विद एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो मर्चेंट बैंकर सेबी में तो रजिस्टर्ड है ही, तो उस सिक्योरिटी मार्केट के काम के अलावा इनका अपना कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, अदर देन अ बैंक। बैंक हो सकता है, है ना, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, लेकिन उसके अलावा इनका अपना कोई अलग से बिजनेस नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज़ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड, कि मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है कि जैसे हर कंपनी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो ये भी अपने जो रिकॉर्ड हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको मेंटेन करेंगे, और एक कॉपी हर साल, एक कॉपी बैलेंस शीट की एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, अ कॉपी ऑफ P&L अकाउंट फॉर दैट पीरियड, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ये तैयार करेंगे, है ना, और बोर्ड को इसके बारे में इंटीमेट करेंगे कि इन्होंने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए हैं। और मतलब हर अकाउंटिंग पीरियड में ये बनाने के बाद इनको 5 साल तक इन रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना है, क्योंकि इनका ऑडिट भी हो सकता है और इनको किसी भी टाइम सेबी के द्वारा भी चेक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली रिजल्ट, कि जो भी मर्चेंट बैंकर हैं वो हाफ ईयरली रिजल्ट बोर्ड के सामने प्रेजेंट करेगा कि वो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको चेक करवाने के लिए। रिपोर्ट ऑन स्टेप टेकन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि अगर ऑडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन लगाई है, है ना, तो हर मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है कि वो जो भी ऑब्जेक्शन लगाई है या जो भी डेफिशिएंसी है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा, उसको दूर करने की कोशिश करेगा, है ना, विद इन द 2 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जब उसने रिपोर्ट दी उसके 2 महीने के अंदर अंदर। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, कि जितने भी इशू किए जाएंगे उसमें कम से कम एक मर्चेंट बैंकर ऐसा होना चाहिए जिसको लीड मैनेजर की तरह अपॉइंट किया जाए उस इशू के लिए। तो कम से कम जैसे बताया 2 लीड मैनेजर्स होते हैं कंपनी के अंदर, तो एक इशू को एक लीड मैनेजर जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सॉरी लेकिन अगर राइट इशू है तो राइट इशू के लिए एसेंशियल नहीं है लीड मैनेजर प्रोवाइड करना या उसकी अपॉइंटमेंट करना, लेकिन अगर पब्लिक इशू है तो उसके लिए लीड मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर, कि कोई भी लीड मैनेजर ऐसा नहीं होगा जो उसी कंपनी के मतलब किसी और इशू के साथ वो एसोसिएट होगा, तो मतलब वो बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो उसकी ड्यूटी सिर्फ क्या है, शेयर्स को इशू कराने से रिलेटेड है, तो वो कोई भी बात जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा,
अगर उसने नो लीड मैनेजर शैल एग्री टू मैनेज और बी एसोसिएटेड विद एनी इशू अनलेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द इशू मेनली दोज ऑफ डिस्क्लोजर अलॉटमेंट एंड रिफंड आर क्लियरली डिफाइंड, है ना। तो जो भी रिफंड इन्होंने किया है, ये जो भी बात की है वो क्लियरली मैंशन करेगा। और जहाँ पर एक से ज़्यादा लीड मैनेजर हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी अलग अलग मैंशन की जाएगी। मतलब कंपनी ये बताएगी कि लीड मैनेजर को क्या करना है, है ना। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको क्या काम करने हैं, इशू से रिलेटेड क्या काम करने हैं, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्लियर होनी चाहिए। और जैसे कि अगले पॉइंट में बताया कि विदाउट रजिस्ट्रेशन लीड मैनेजर को आप एसोसिएट नहीं कर सकते विद द मर्चेंट बैंकर, तो इनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ शेयर, कि कोई भी मर्चेंट बैंकर या उसका जो डायरेक्टर है या पार्टनर या मैनेजर या प्रिंसिपल, है ना, आइदर ऑन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट और थ्रू देयर एसोसिएट और रिलेटिव एंटर इनटू एनी ट्रांजेक्शन, इस किसी भी बिजनेस के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे शेयर्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके बेस पर आपने कोई डीलिंग नहीं करवानी है जब तक कि कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना हो जाए। और हर मर्चेंट बैंकर जो है वो कंप्लीट पर्टिकुलर्स किसी भी ट्रांजेक्शन के बोर्ड के पास भेजेगा कि अगर किसी कंपनी ने मतलब शेयर्स परचेज किए हैं या सेल किए हैं, इशू किए हैं, है ना। तो ये जो एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की जिसका इशू मर्चेंट बैंकर ने मैनेज किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन होने के 15 दिन के अंदर अंदर वो सेबी के पास इसकी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। नेक्स्ट देखिए डिस्क्लोजर टू द बोर्ड, जैसे भी आया भी था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी ट्रांजेक्शन को किसको बताएगा, बोर्ड को बताएगा 15 डेज के अंदर अंदर। और अगर कोई चेंज होता है पर्टिकुलर्स में जो प्रीवियसली उसने दिया था, तो उसके बारे में भी वो सर्टिफिकेट देगा कि इस तरह का चेंज है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट का नाम जिसको उसने मैनेज किया था उसकी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी प्रोवाइड करेगा, है ना। या कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को अगर किसी मर्चेंट बैंकर ने या कंपनी ने अगर तोड़ा है तो उसके बारे में भी बताएगा। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वो किसको प्रोवाइड करेंगे, सेबी को। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंकर, है ना, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किन किन बातों को वो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, बट ये टूवर्ड्स सेबी है, है ना, कि इशूइंग कंपनी एंड सेबी के प्रति इनकी क्या ड्यूटी है। तो देखिए लगभग सेम सा ही है, 7-8 पॉइंट और हैं। सबसे पहला, जो लीड मैनेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद द कंपनी, जो इशूइंग कंपनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा जाएगा कि व्हाट आर देयर राइट्स, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। और उसकी एक कॉपी वो सेबी के पास एटलीस्ट वन मंथ बिफोर द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन, वो उसकी एक कॉपी सबमिट कराएगा क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन होता है कि कम से कम ये 5% जितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी उसका 5% जो शेयर है वो कम से कम जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो परचेज करेगा, या 25 लाख रुपीज़, विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम हो। तो वो अपने आप ही अरेंज करेंगे कि वो किस तरह से मैनेज करना है, है ना, और उसकी इंफॉर्मेशन वो सेबी के पास भेजेंगे। और एक ड्यू डेलीगेंस सर्टिफिकेट कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, है ना, कंपनी के फेवर में काम करेंगे, तो विद इन द 2 वीक्स बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन ये ड्यू डेलीगेंस सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे टू द सेबी अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके कंटेंट्स को इन्होंने पढ़ लिया है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इनको सबमिट कराने होते हैं उनको ये तैयार करेंगे, और लीड मैनेजर इन डॉक्यूमेंट्स को सेबी के पास एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर विद द ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये सबमिट करेंगे, जिसमें इशू के पार्टिकुलर्स होंगे, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होगा, लेटर ऑफ ऑफर होगा, है ना, कोई लिटरेचर इंटेंडेड टू सर्कुलेटेड टू इन्वेस्टर इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर। तो मतलब इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेबी के पास सबमिट कराएंगे। एसोसिएशन विद द इशू, कि इनका किसी भी तरीके से एसोसिएशन जो है वो इशू के साथ टिल द सब्सक्राइबर हैव अप्रूव्ड शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट और रिफंड, वो इनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू करना है इन्होंने, कॉपरेट करना है, मतलब उसमें इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज़ को परचेज नहीं करना। एंड नोट टू एक्वायर अनपब्लिश्ड सिक्योरिटी,
जो मर्चेंट बैंकर हैं वो कभी भी ऐसी सिक्योरिटी को परचेज नहीं करेंगे जो अभी इशू ही नहीं हुई है, जो अभी अनपब्लिश्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन एंड रिफ्यूज़ल टू वर्क एज लीड मैनेजर, कि जो मर्चेंट बैंकर हैं वो ऑल्सो वो मना कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से एज ए लीड मैनेजर अगर उसका कोई भी पर्सन, कोई एसोसिएट पर्सन या उसका कोई पार्टनर किसी कंपनी के साथ किसी भी काम में लगा हुआ है, इन्वॉल्व है, है ना, तो वो मना कर सकता है कि वो लीड मैनेजर की तरह काम नहीं करेगा। और इसी तरीके से आप देखिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी है जिनको कि फॉलो करना होता है मर्चेंट बैंकर को, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो इसमें यही है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, कि वो ध्यान रखे कि उन्होंने इंटीग्रिटी को बनाए रखनी है और क्लाइंट के फेवर में काम करना है, क्लाइंट मीन्स कंपनी के फेवर में, है ना, और कोड ऑफ कंडक्ट को भी जो बिजनेस ने बना रखे हैं उसको वो ध्यान रखना है। और ड्यू डेलीगेंस का सर्टिफिकेट भी उसे लिया जाता है, तो इससे उम्मीद की जाती है कि वो ईमानदारी से काम करेगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा और बिल्कुल बायस्ड फ्री होगा। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी वो काफ़ी अच्छे से सोच समझ कर उसका निपटारा करेगा, और जो भी पॉसिबल सोर्सेज हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को निपटाने के उनको भी डिस्क्लोज करेगा कि किस तरह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अगर हुए हैं इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में तो उसको किस तरह से जो है वो सुलटाया जा सकता है। और कोई भी स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा कर नहीं देगा, अपनी कैपेबिलिटी में नहीं देगा, जो उसको पता है वो इन्फॉर्मेशन वो बताएगा, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर ना तो कंपनी के बारे में और ना ही इन्वेस्टर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा। और कोई हार्मफुल स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे किसी को भी कोई नुकसान हो, है ना, जैसे कंपनी के अगेंस्ट भी वो कुछ नहीं बोलेगा। और एंडीवर टू सर्व क्लाइंट, कि क्लाइंट को सर्व करने की भी पूरी कोशिश करेगा, अपनी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देगा टू द क्लाइंट, और कोशिश करेगा जितने भी प्रोफेशनल डीलिंग्स हैं वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में काम करें, है ना। और इसी तरह से बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कॉपीज़ ऑफ प्रोस्पेक्टस अगर उसके पास हैं तो वो इन्वेस्टर्स को भी अवेलेबल कराएगा, एडिक्वेट स्टेप्स लेगा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी को लेकर अगर कुछ डिले हो रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स की अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको लगता है कि कंपनी के फेवर में बतानी ज़रूरी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है, है ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंशियल भी रखेगा, बट ये देख लेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसकी कॉन्फिडेंशियल रखने की है और कौन सी बताने की है। इसके अलावा कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देगा, है ना, तो ये अनएथिकल काम नहीं करेगा, क्रिएशन ऑफ फॉल्स मार्केट का या प्राइस रिगिंग या मैनिपुलेशन, है ना, या प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देना, और सेबी के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उन सबको ये फॉलो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप कंप्लीट हुआ, और ये एग्ज़ाम में जनरली 16 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंट बैंकर्स।